पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। श्रीमान, अहिल्या पे हमला हुआ है, क्या आपने उस पर? गुणों जी, हम मालवा में घूमने वाले, विचरण करने वाले कोई मामूली नागरिक नहीं हैं। जो आप ऐसे हमारे दालन में आके हमसे इस तरह के सवाल पूछ सको, अपनी औकात और हमारी हैसियत कभी भूलना मत। और आपको क्या लगा अहिल्या क्या है? जंगल में घूमती हुई एक मामूली सी हिरनी जिसे चप चहा 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 वादा बोच लिया। जी नहीं, अहिल्या जंगल, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शिकार, शिकारी सब खुद है। एक बात और हमारी समझ लीजिए, आप बेशक होंगे महान सरदार, लेकिन वार कब, कहां, कैसे, किस पे करना है ये भी आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कमजोर और थके हुए हैं। मकारी और छल कपट के मामले में अभी कच्चे बच्चे हैं। गुरु जी, क्यों चेहरा क्यों छुपा रहे हो? लज्जा आती है, लज्जा आती है गुनो जी। तो फिर देखो, गौर से देखो, खुद को, खुद के चेहरे को देखो। तुम्हारे माथे पर लगा ये देशद्रोह का चिन्ह, और जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारी पहचान है। और ये कभी मत भूलना। और एक बात, गौर से सुनो और मरते दम तक याद रखो, अभी तक मल्हार राव जी ने तुम्हें माफ नहीं किया है। हमारा एक इशारा और मल्हार राव जी तुम्हारा क्या हाल करेंगे, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। भूलना मत। इस मोहर ने हमें यह सिखाया है कि अपनी कमजोरी को कभी भूलना नहीं चाहिए, और दुश्मन को कभी कमजोर और कम अकल नहीं समझना चाहिए। अहिल्या बच चुकी है, और हमें पूरा विश्वास है कि अहिल्या को यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि उस पर हमला करवाया किसने है। और फिक्र कीजिए तो आप सिर्फ इस बात की कि अगर मनहार सरकार को इस बारे में पता चला तो, क्योंकि इस बात को वाड़े में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई हो। आपको नहीं लगता कि आपको बाबा साहेब की सोच का साथ देना चाहिए? मेरी बात छोड़ दो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। रखमा, मुझे दोबारा इस विषय पर बात नहीं करनी है। लेकिन मैंने गलत क्या कहा? अगर आप भी बाबा साहेब की सोच का विरोध करेंगे तो उनके हाथ से राज गद्दी चली जाएगी, फिर आपके सपनों का क्या होगा? रखमा, राज गद्दी पर बैठना मेरा सपना नहीं है, ना कभी था, वो तुम्हारा सपना है। और रही बात अहिल्या का साथ देने की, तो अहिल्या का साथ देने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मल्हार सरकार का विरोध कर रहे हैं या वो उनका विरोध कर रही है। वो तो बस इस बात की पुष्टि करना चाहती है कि राघव भा सच बोल रहे हैं। तो मुझे भाव जी, तुगुजी बाबूजी,
क्षमा चाहते हैं इस तरह यहाँ आने के लिए। आप हमसे नाराज हैं, आपको हमसे जितना नाराज रहना आप उतना नाराज रहें, लेकिन ये समय नाराज रहने का नहीं है। काम बताओ। हमें अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि अहिल्या पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या? जी। तो कुछ बाबू जी, क्या हम भी चले आपके साथ? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी बार हम यहां पर आए लेकिन आज तक केसर ने ऐसा कभी भी नहीं किया। पता नहीं कहां चली गई है वो, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्या पता वो किसी परेशानी में फंस गई हूं। हमें हमें स्वयं चलकर देखना होगा। से उतारो नीचे। हाँ बेटा, संभाल के आराम से बस इसे अपने घर ले जाइए, संभाल के ले जाना। सुनो, उसका घाव बहुत गहरा है, यहाँ आसपास जो भी वैद्य होगा उसे तुरंत यहाँ ले आइए। जी। जल्दी जाइए। चलिए आ जाइए। तुम ठीक हो? हमें ठीक हो तो कुछ भी हो। कुछ पता चला हमला किसने किया था, हमलावर कौन था? उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई दी लेकिन मैं जानती हूं कि ये हमला किसने करवाया होगा, वही जिसे पता है कि मैं इस वक्त कहां हो सकती हूं। ये देखिए, इस तीर से वार किया गया था। ये तीर अहिल्या, लेकिन ये तीर तो हमारा निशाना तो सही था लेकिन। अरे तुम डर क्यों रहे हो? इंसान से गलतियां होती है, महत्वपूर्ण क्या है, जो गलती हुई है उसे भूलकर आगे की सोचना चाहिए। जी सरकार। तो अब अगली बार सही वार, समझे? जी सरकार। गुणु जी, ये हमारे आदमी है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अभी ये सब कुछ जो हुआ है उसके बाद ये आदमी कभी किसी को नजर नहीं आना चाहिए, ध्यान रहे। सरकार।
समय सरकार। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।